काबिल अमगल की जो लास्ट और आखिरी लेक है वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पैनोरमिक व्यू। और हमारे साथ कुछ चंबा के साथी भी हैं जो सब अपने अपने धुन में चले हैं। तो बस कुछ ही पार्ट हमारा बचा है इसको अचीव करने का। तो वहाँ पे छेमा जल और उसके बाद सातवां जल, उसके बाद बैक टू पवेलियन। हर बात भाई साहब कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था कि हम सातवें डल में पहुंचने वाले? अभी बिल्कुल बिल्कुल अभी आपके ही सौजन्य से हम हमारे नहीं भोलेनाथ की कृपा हम पर हम तो भरपूर है बिल्कुल उनके मतलब क्या बोलते हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अभी आप जो डल देख रहे हैं ये है काली का डल, बहुत शांत और बहुत स्थिर मुद्रा में। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो काली का डल काफ़ी पानी था, इस बार थोड़ा सा पानी कम है इसमें, पर फिर भी बिल्कुल शांत मुद्रा में ये। इससे बस थोड़ी दूर लमडल जो विशाल सरोवर है वो आपको उसके दर्शन करवाए जाएंगे। तो ये है हमारे भाई साहब, इनका नाम क्या सर आपका? राकेश। आप देखो कितनी हाई एल्टीट्यूड पर इन्होंने टेंट लाए हैं और सेवा कर रहे हैं, काफ़ी प्रसाद कैनी वगैरह हर चीज़ रखी है, आपकी अप्रिशिएट करना चाहिए। फाइनली विदेश लामडाल बहुत अप्रिशिएट करके आपका। चलो सर, साल में एक बार मौका मिलता हमें यहाँ सेवा करने का, बिल्कुल हो जाता था। शायद इस जगह के बारे में मुझे जब तक लगता कि हम इस जगह को प्रमोट नहीं कर पाए आज तक, और ये जगह इतनी पवित्र है कि 3 किलोमीटर पीछे नंगे पांव आना पड़ता है, ठीक है जी। दूसरी बात है कि यहाँ पर थूक नहीं सकते, और यहाँ पर कोई ऐसा मतलब मिसलेनियस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे गंदगी का मतलब हो, जो कोई जैसे मणिमहेश या अन्य जगह होता है उसमें ये चीजें नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे हम लोग चप्पल जूते उतार के आए हैं, और वहां से
ये सुबह निकलेंगे, दिन को स्नान करेंगे और शाम को अपने घर पहुंच जाएंगे। इन फ्यूचर जो भी लोग आए उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि भाई क्या क्या होना चाहिए अपने पास कि आप लोग लमदल की यात्रा करें? हम जो हमें खुद एक्सपीरियंस किया है उसमें हमने यही चीज देखी है कि कम से कम आना है तो अपने कपड़ों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में कई लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, खुद मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा तो बारिश के चक्कर में हम लोग बैग को उसी तरीके से नहीं यूज कर पाए और हमारे कपड़े खुद गीले हो गए। तो इस चक्र में हम ये बोलेंगे कि भी कम से कम जो हमारे लोग हैं वो अपने कपड़ों को या फिर जो अपना सामान है वो अच्छे तरीके से पॉलिथीन बैग में पैक करके लाए, छाता जरूर साथ लाए, छाता जरूर, रेनकोट, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं और कुछ नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल छेमा डल, अभी थोड़ी देर में आपको हम लोग सातवां डल दिखाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके हम पहुंचे क्योंकि धूरी जो है बिल्कुल हट चुकी है और अभी बहुत खूबसूरत व्यू आने वाला है। थैंक यू। आप देख रहे हैं इतने हाई एल्टीट्यूड में नियर अबाउट 4000 मीटर की हाइट पर इन लोगों ने अपना, देखो लोगों की सेवा के लिए कितना कुछ बनाया है। और अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी फैसिलिटी इतनी हाइट पर प्रोवाइड करवाई है। लमडल में स्नान कर चुके हैं मैं और अनुपम, और अभी हम लोग भोलेनाथ के जो मंदिर है वहाँ पे पाठ पूजा करके तुरंत हम लोग नीचे की ओर निकलेंगे, तो कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे। तो आप देखिए पैनोरमिक व्यू,
हाँ जी पंडित जी, थोड़ा हमारे लमडल के बारे में, इस जगह के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कैसा है और कितना, कैसे मतलब किस चीज़ के बारे में फेमस है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। यहाँ पहले कोई नहीं आता था, तो फिर एक जहाँ उधर कुंडी था, कुंडी में रहता था, उसके घर में बच्चे नहीं होते थे। फिर वो अपनी घरवाली साथ में लाया, तब उसको फिर बच्चे दिए, उनको चार चार बेटे दिए उसको। उसके बाद फिर लेडीज आना शुरू हो गई। हाँ जी, तो ये मेला बहुत साल पहले से चला हुआ है। हाँ जी, पहले का चला है। तो काफी, अब तो काफी दुनिया आने लग पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ टोटल जितनी जिले कितनी है? टोटल जिले टोटल 12 जिले है। 12 जिले है ना, ये रूप कुंड और दो पल्ली तरफ, तीन पल्ली तरफ, खूनी डाल वगैरह सब है ना जी। और भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, और धूप ने भी पूरा, मौसम ने भी पूरा साथ दिया है हमारा। अब हम वापस अपने जो हमारा घर है चंबा की ओर निकलेंगे, तो भोलेनाथ हमारे साथ है, तो हमें किसी बात का डर नहीं। तो आज मैं अपने दोस्त अनुपम शर्मा, बबलू और राजू के साथ 3 सितंबर 2022 लमडल अभी हम लोग की आप शक्ल से जजमेंट कर सकते हैं कि हमने लमडल ट्रैक लगा लिया है, और अभी तीन साढ़े तीन किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। और आज उम्मीद है कि हम लोग जो अपना दरकुंड है वहां तक पहुंच जाएं, उम्मीद तो यही है। तो क्योंकि हमारी जो दोनों की टांगें जो हैं धीरे धीरे स्ट्रेस में आने लगी हैं, पर मेरी अभी इतनी नहीं आई, पर हमारे भाई साहब का थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें कहीं ना कहीं रात को रुकना पड़ सकता है शायद।